है 2011 का मॉडल है, 1.6 ऑटो ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सुजुकी एल्टो है 2021 का मॉडल है, 2019 का मॉडल है और गाड़ी मशल से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। इसमें भी एक दो पीसेस गाड़ी के टचअप हैं, बाकी ज़बरदस्त गाड़ी है। टोयोटा स्टारलेट और मॉडल है 1978 का मॉडल है। फर्स्ट टाइम गाड़ी शावर 78 का मॉडल है, 1978 का ये मॉडल है। गाड़ी बाहर से फर्स्ट टाइम शावर रुकी हुई जी। ये सुजुकी वैगनर है 2017 का मॉडल है। गाड़ी का सिर्फ एक पीस टचअप है लेकिन जी सुजुकी एल्टो है ये, और मॉडल 2011 का है लेकिन एंड है 2012 का नंबर लगा। क्या हम इसकी डिमांड कर रहे हैं सर? गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं मार्केट में भाई, पहले एक दो का गाड़ी नज़र आती थी, अब संडे बाज़ार में 3-4 गाड़ियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं हमें। फा कंपनी की गाड़ी है भाई, और सुजुकी एवरी आती है जैसे आयरूफ आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। एक बार फिर से हम लोग वापसी संडे कार मार्केट में भाई। अभी टाइम हो रहा है 3:15 और 21 मई 2023। तो जितने भी भाइयों की रिक्वेस्ट आई है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो गाड़ियाँ ऐड करेंगे। अगर आप लोग भी किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह उस गाड़ी का रिव्यू हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी तक मैं कुछ भी नहीं लग रहा भाई, गाड़ियों की कीमत जो है वही की वही रुकी हुई है, कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं अभी तक कम नहीं हुई, ये बता दूँ मैं आप लोगों को। और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी GLI की, कुछ GLI ऐड करेंगे आज की वीडियो में, तो कोशिश करेंगे अच्छी गाड़ियाँ ऐड करें आप लोगों के लिए। और अच्छी गाड़ियों की कीमत जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, पहले बता दूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे आप लोगों ने अगर गाड़ी परचेज़ करनी है तो आप कभी भी यहाँ पे फुल पेमेंट ना करें गाड़ी की। गाड़ी की फुल पेमेंट सिविक सेंटर जाके कर लें या तो फिर ऑनर के घर पे जाके कर लें, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। यहाँ पे का आप लोगों ने कभी भी फुल पेमेंट गाड़ी की नहीं करनी, यहाँ सिर्फ टोकन पे आप लोगों ने गाड़ी परचेज़ करनी। सिर्फ टोकन क्या, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये से ज़्यादा का टोकन आप लोगों ने गाड़ी का नहीं पे करना। यहाँ पर बस 5,000 से इनफ है, 5,000 से ज़्यादा आप लोगों ने टोकन पे नहीं करना। तो अगर आप लोग कोई गाड़ियों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी सेल परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या कोई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है गाड़ियों की सेल परचेज़ होती रहती है। इसी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का, चलिए शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो जी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और गाड़ियाँ जैसे जैसे आना स्टार्ट हो जाएंगी हम भी रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और भी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, GLI है 2011 का मॉडल है, 1.6 ऑटो ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का सिर्फ एक पीस टचअप है, इसके अलावा पूरी की पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। ये सुरमई कलर में है, ब्लैक नहीं है, सुरमई कलर में है भाई। ये आप लोग बता दूं, क्या पता कैमरे में ब्लैक नज़र आ रही हो क्योंकि धूप इतनी हो रही है। तो गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में आप लोग नज़र आ रही होगी, कैमरे में जिस तरह आप लोग को दिख रही है रियल में भी आप लोग गाड़ी इसी तरह ही देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग GLI XLI की रिक्वेस्ट कर, GLI ऐड कर रहा हूँ मैं, 1.6 ऑटो ट्रांसमिशन में 2011 का मॉडल है। बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से, बैक साइड की लाइट्स वगैरह है वो मैं आप लोग बारीकी से चेक करा देता हूँ। इस गाड़ी की कोई टूटी हुई नहीं है, स्क्रीन नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी लाइट। जितने हम लोग GLI की रिक्वेस्ट करते हैं GLI मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोग गाड़ी बिल फर्जी समझ में आ जाती है, फिर ओनर का नंबर जो है मैं आप लोग को पूरी डिटेल के साथ दे दूंगा, तो फिर आप लोग ओनर से कॉन्टेक्ट करके आप लोग गाड़ी ये परचेज़ कर सकते हैं। GLI है जी 1.6 ऑटो ट्रांसमिशन, चारों टायर आपको सेम कंडीशन में मिलेंगे, तकरीबन कह सकते हैं 80% तक टायरों की कंडीशन भी बोलिए। सामने वाली लाइट्स वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं और ग्रिल सेट भी आप लोग देख सकते हैं, साथ साथ बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में नीट एंड क्लीन। बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर आप लोगों को विज़िट कराए थे, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो भी शेयर कराए थे। तो इंटीरियर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा दरवाज़ों की सीलों की तरफ नज़र लगाते हैं जी। बिल्कुल साफ़ सुथरी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, लेदर कवर सीटों पे इंस्टॉल है और नॉर्मल टाइप सिस्टम लगा हुआ है इस गाड़ी में, ऑटो ट्रांसमिशन। मशीन से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, बाकी प्राइस क्या है फिर ओनर के साथ मिलकर शेयर कर देंगे। अगर आप लोग घर के लिए लेना चाहते हैं तो बड़ी बेहतरीन गाड़ी है ये। तो जी 1.6 स्टार्ट खड़ी हुई अभी ये गाड़ी, बाकी देख सकते हैं आप लोग कोई एक्सीडेंटल गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में जी इंजन रूम इस गाड़ी का। बाकी जो बोनेट की सील हैं वो भी आप लोग साथ साथ चेक कर लें, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है। ठीक है सर, बंद कर दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। 2011 का मॉडल है सर ये? 2011 का मॉडल है। ठीक है जी। GLI 1.6 ऑटो में है। ठीक है जी। सेकंड ओनर गाड़ी है। ठीक है। टैक्स वगैरह पेड है, अपना इंजन है। ठीक। कितने बीस टचअप है इस गाड़ी? 20 टचअप है गाड़ी के अंदर। अच्छा जी। ठीक है। डोर है, फेंडर है। अच्छा। और एक बस ये 3 पीस टचअप है। अच्छा। उसके अलावा गाड़ी पूरी ओरिजिनल है। ठीक है। अपने इंजन में सर गाड़ी? अपने इंजन में है। ठीक। कितना चली हुई सर गाड़ी? ये तकरीबन 185 है या 185? 185। ठीक है जी। 2011 का मॉडल है, 185 ही गाड़ी ओरिजिनल इंजन पे चली हुई है और सेकंड ओनर पे। कोई काम तो नहीं सस्पेंशन इंजन वाइज कोई? अदरवाइज तो कोई काम भी नहीं है गाड़ी के अंदर। गाड़ी ओके, रेडी टू ड्राइव करती है? बिल्कुल ओके। ठीक है। अपना नंबर शेयर कर दीजिए सर जो आपके इस्तेमाल में होता हूँ। 0300 2300 2800 4397 1971। क्या नाम है आपका सर? गुलाम सरवर। कहाँ की लोकेशन सर? DHA की लोकेशन है। ठीक है जी। तो सरवर भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, DHA की लोकेशन है। गाड़ी मशीन से बिल्कुल साफ़ सुथरी है। 3 पीसेस गाड़ी के टचअप हैं और इसके अलावा पूरी गाड़ी चेन वन है। कितनी डिमांड करें सर? 24.5 लाख। अच्छा, मेरे को गुंजाइश हो जाएगी या फाइनल ये प्राइस? गुंजाइश हो जाएगी बस। यह मतलब ऑफर चल सकती है मतलब के क्या एवरेज देती होगी पर लीटर? 1.6 है अगर ये अभी देखें, लोग कहते हैं कोई 13-14 हाँ। देती है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ शहर के अंदर ये 9-9.5 बस। हाईवे पे अगर चल गई 10-11 नहीं तो 12-13 देती है। 12-13 देती है, 12-13 हाईवे पे देती है। ठीक है। लोकल में जो है वो 9-9.5 देती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बच्चे को ले। अच्छा, ये तो सरवर भाई की ये गाड़ी है, DHA की लोकेशन है, 2011 का मॉडल है जी। प्राइस में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी, 3 पीसेस गाड़ी के टचअप हैं। तो गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में, अगर आप लोग घर के लिए गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। बाकी प्राइस में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सुजुकी एल्टो है, 2021 का मॉडल है, 12वें महीने की, और 2022 का नंबर लगा हुआ है। गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, बम्पर टू बम्पर आप लोगों को गाड़ी ये जेन्युइन कंडीशन में देखने को मिलेगी। नो डाउट गाड़ी जिस तरह आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रही है, रियल में भी आप लोगों को गाड़ी ये इसी तरह ही देखने को मिलेगी। बाकी टायर्स की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इंस्टॉल हैं, तकरीबन कह सकते हैं कि 80% तक टायर्स की कंडीशन भी गुड है। तो बढ़ते हैं लाइट्स की तरफ। लाइट्स की बात करें तो ब्रांड न्यू कंडीशन में लाइट्स मौजूद हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी। अभी तक सुजुकी के लोगों पर अभी तक भाई ने टेप वगैरह भी चिपका के रखी हुई है भाई है। और टायर्स चारों आप लोगों को सेम कंडीशन में देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के। सुजुकी एल्टो है, VXR, एक VX आती है, एक VXR आती है, एक VXL आती है। तो ये 3 वेरिएंट में डिफरेंट क्या है भाई? VX जो है उसको मैंने सही तरह से नहीं देखा। VXR AC वाली होती है लेकिन उसके डोर जो है हैंडल वाले होते हैं। बाकी VXL जो होती है वो ऑटो ट्रांसमिशन में होती है, उसके डोर्स वगैरह सब पावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से है जी। बैक साइड से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, बैक साइड के जो इंडिकेटर है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सिल्वर कलर में गाड़ी है, 2021-2022 का नंबर लगा हुआ है। पूरी की पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। और बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं, सीट्स पे शॉपर वगैरह पे ही तक इंस्टॉल है। उधर डोर्स की सील वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं। नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से पूरी की पूरी आप लोगों को जेन्युइन देखने को मिलेगी। सर एक खुला हुआ है रूम? अच्छा जी। तो मैं आप लोगों को इंजन रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलके प्राइस वगैरह क्या गाड़ी की वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम जी। इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से, ये इस गाड़ी में जो इंजन होता है ये होता है 660 cc में। पुरानी वाली एल्टो थी उसमें 1000 cc 970 cc में जो काउंट होता था वो इंजन आता था, पर जो ये अभी नहीं आई है इनके अंदर 660 cc इंजन होता है। बाकी नो डाउट गाड़ी कोई एक्सीडेंटल नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। और बोनट की सीलें वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी के, माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं ओनर की तरफ, प्राइस पूछते हैं गाड़ी क्या है, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ डिटेल भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड कर रहे हैं सर इस गाड़ी की आप? 24-20 डिमांड है जी। 2021 का 12वां महीना। ठीक है। तकरीबन 8-10 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। 24-22 का जो है 21 का 12वां महीना है, 22 का नंबर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर जी। ठीक है। नंबर प्लेट आई हुई है इसकी? नहीं आई अभी तक, इशू नहीं हुई है? लेटर वगैरह होगा आपके पास? ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ओनर पे होगी गाड़ी? ठीक है सर। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0321 2351 951 951। क्या नाम है आपका सर? फैज़ान भाई। कहाँ की लोकेशन है? औरंगी टाउन 10 नंबर की लोकेशन है। ठीक है जी। फैज़ान भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, औरंगी टाउन 10 नंबर की लोकेशन है।
अच्छा जी, तो एक गाड़ी और है भाई की, मैं वो गाड़ी कवर कर लेता हूँ। गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में खड़ी है। एक मेरे भाई हैं पंजाब से, मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आज GLI मेरे लिए कवर करें। तो GLI गाड़ी ये है भाई, 2019 का मॉडल है और गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है। इसमें भी एक दो पीसेस गाड़ी के टचअप हैं, बाकी फिर ओनर के साथ मिल के पूछ लेंगे कौन से दो पीस टचअप हैं इस गाड़ी के। और गाड़ी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रंट की लाइट्स की तरफ नज़र लगाते हैं जी। लाइट्स बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। ये XLI है, कन्वर्टेड टू GLI है, 2019 का मॉडल है। कन्वर्टेड मतलब कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो आप लोगों को इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। विंडो तो इसकी जो है कन्वर्ट की होती है, लेकिन स्टीयरिंग इस गाड़ी का पावर आता है। तो टायर्स की कंडीशन की बात करें, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इंस्टॉल हैं। तकरीबन कह सकते हैं कि यार 70-80% तक टायर्स की कंडीशन में गुड है। सामने की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन है भाई। लाइट्स वगैरह बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में आप लोग देखने को मिल रही होंगी। कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई स्पॉट्स नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में जी। और नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से जिस तरह बाहर अंदर से भी आप लोग इसी तरह देखने को मिलेगी। बाकी जो इसमें लोगो वगैरह है वो दूसरे लगे हैं, एटलस के 1.6 के लगे हुए हैं, लेकिन है ये XLI कन्वर्टेड टू GLI है। और बैक साइड की लाइट्स वगैरह भी थोड़ा सा बारीकी से चेक कर लेते हैं। लाइट्स वगैरह बिल्कुल साफ है, कोई टूटी भी नहीं है, क्रेक नहीं है। लाइट्स वगैरह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। थोड़ा सा टायर्स की तरफ नज़र लगाते हैं जी। टायर्स की बात करें तो टायर माशाल्लाह से चारों आप लोगों को सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हम डोर्स की सीलें वगैरह चेक कर सकते हैं। चारों दरवाज़ों की सीलें आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेंगी। बाकी सीट्स की बात करें, जो नॉर्मल जो है अपने कंपनी वाले कवर्स में उसी में है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं ये कन्वर्ट की हुई है, पहले XLI थी, अभी GLI में कन्वर्ट की हुई है गाड़ी। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा पैसेंजर साइड की तरफ, वहाँ से जाके LCD पैनल वगैरह वो भी आप लोग को चेक कराए थे इस गाड़ी का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑटो ट्रांसमिशन में है जी। ये XLI है चाचा, ये ऑटो वाली XLI है, 1.6 वाली नहीं, 1.3 है और है XLI। हाँ अच्छा जी, तो ये है 1.6 है XLI, 1.3 है XLI है, ये कन्वर्टेड टू GLI है। बाकी एंड्रॉइड पैनल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा कन्फर्म करना लाजमी होती है, ताकि आप लोग वीडियो देखते हैं आप लोग पता होना चाहिए किस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, वो गाड़ी की मतलब कि एक्चुअल जो कंडीशन है क्या है, गाड़ी के फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग साथ शेयर कर दूँ। बोनट खुला हो चाचा, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इंजन रूम की तरफ कवर करके फिर आप लोगों के साथ डिटेल वगैरह क्या है वो भी शेयर कर देता हूँ। ये XLI है भाई, ये XLI है 1.3 ऑटो ट्रांसमिशन में। XLI भी आती है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, बाकी आप लोगों ने शायद देखी होगी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। GLI में देखी 1.3, लेकिन XLI में फ़र्स्ट टाइम देखी मैंने। चेक कर सकते हैं बोनट की सील्स वगैरह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। 1.3 XLI कन्वर्टेड टू GLI है। बढ़ते ओनर की तरफ, पूछते हैं इसकी प्राइस क्या, कितने में गाड़ी फाइनल छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या डिमांड है सर इसकी? सर इसके 38 लाख, 38 लाख रुपए। मॉडल 2019 का ही मॉडल, 2010 महीने की, ठीक है जी। तो कितना चली हुई है चाचा गाड़ी? ये 50,000 किलोमीटर गाड़ी है चली हुई है जी। बाकी ये 2019 का मॉडल है, वाइट कलर में, और XLI है कन्वर्टेड टू GLI, इसके विंडो जो है पावर की है, ठीक है ना, वही कह रहा हूँ पावर की हूँ। ये ऑटो है, कंपनी से ऑटो है भाई, इसकी करवाया बनी ऑटो अपने इंजन में है, ठीक है। क्या इसका कमी पेशी हो जाएगी इसकी प्राइस में कुछ? ठीक है, कमी पेशी हो जाएगी। कितने फर्स्ट ओनर पे गाड़ी है? फर्स्ट ओनर पे कितना चली हुई है तकरीबन गाड़ी? 50,000 किलोमीटर, ठीक है जी। मैं आप लोगों को मीटर में भी दिखा देता हूँ, तकरीबन 50,000 किलोमीटर कह सकते हैं इस गाड़ी को चली हुई है। बाकी गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी। टचअप कितना चाचा ये गाड़ी है? अच्छा कंपनी से खरीदी आपने, ठीक है भाई। बोले थे एक दो पीस इस गाड़ी की टचअप, बाकी ये कंपनी की गाड़ी है, साफ सुथरी गाड़ी। कुछ भाई ऐसे पूछते हैं यार डिफेंस की गाड़ी चाहिए, कंपनी की गाड़ी चाहिए, या इसके अलावा हमें इसकी मलिर कैंट की गाड़ी चाहिए। तो भाई ये कंपनी की गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ रही तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। बाकी चाचा से नंबर ले लेता हूँ मैं, नंबर शेयर कर दीजिए अपना, 0321 23 51 9051। क्या नाम है उसका? हाजी मुंबई। कहाँ की लोकेशन है? औरंगी टाउन की लोकेशन है, ठीक है जी। तो हाजी मोहम्मद के पास गाड़ी मौजूद होती है, गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी है। एक दो पीस गाड़ी के टचअप बता रहे थे, बाकी औरंगी टाउन की लोकेशन है और गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी है। एक बार फिर से मैं आप लोग गाड़ी ये दिखाया था, ये XLI है कन्वर्टेड टू GLI, 2019 का मॉडल है, 1.3 ऑटो ट्रांसमिशन में। 2005 का मॉडल है, वाइट कलर में, टोयोटा करोला GLI,
और इस गाड़ी की जो बाहर की मैं कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं जी, बाहर से गाड़ी ये शावर कह सकते हैं, बाकी अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को ओवरऑल जेन्युइन मिलेगी। इंजन इस गाड़ी का चेंज है लेकिन बुक पे अपडेट करवाया हुआ है भाई ने। टायर्स की कंडीशन की बात करें तकरीबन कह सकते हैं 50% वो गुड है, अलार्म लगे हुए हैं। बाकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स कोई टूटी हुई नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि फेड है लेकिन टूटी हुई नहीं है। तो ग्रिल साइड भी सही है इस गाड़ी की, काम वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रंट में, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। वाइट कलर में टोयोटा करोला GLI 2000 ये 5 का मॉडल है। गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, बॉडी वाइज आप लोगों को कोई भी काम नहीं करवाना पड़ेगा इस गाड़ी में। बाकी प्राइस क्या है, कितने में गाड़ी है, फाइनल छोड़ेंगे, कितने ओनर पे हैं, डिटेल्स पेपर्स की वो सारी जो बातें हैं फिर ओनर के साथ मिलकर हम लोग शेयर कर लेंगे। बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, बैक साइड की लाइट्स भी ये थोड़ा सा ग्रे है, टेप लगी हुई है, बाकी फेड भी है थोड़ा बहुत। और बगैर परमिशन के हम लोग किसी की वीडियो नहीं बनाते, ये भी है बगैर, अब पहले हम लोग परमिशन लेते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो क्रिएट करते हैं अपनी, ये हरगिज़ नहीं करते हम लोग डायरेक्ट जाके किसी की वीडियो बना दें, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं क्योंकि लोग 3 महीने बाद भी लोगों को कॉल कर रहे होते हैं, यार ये गाड़ी हमें चाहिए, कितने आप लोग ये गाड़ी हमें दोगे, तो गाड़ी जो बिक जाती है उसके बाद फिर उनको कॉल वगैरह आती है। इस तरह ना करें प्लीज़, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग गाड़ी परचेस कर दें। खोल दीजिए जरा पीछे वाला डोर, खोल दीजिए, बस बस सही है, खुल गया। अच्छा जी, तो दरवाज़ों की कंडीशन की बात करें तो सीलें वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही हैं। बाकी सीटों पे जो है लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल कराया है भाई ने। पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम खोली ज़रा, इंजन रूम की तरफ, फिर देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या गाड़ी वो भी आपको शेयर कर देंगे जी। इंजन ये है इस गाड़ी का 1.3 1300 cc, और खैर में CNG वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में। बाकी देख सकते हैं आप लोग, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नज़र नहीं आ रही, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। 2005 का मॉडल है, GLI है ओरिजिनल, XLI नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 15 लाख। 2005 का मॉडल है GLI, इंजन इसका चेंज है, बुक पे अपडेट है, बाकी CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है इस गाड़ी में। कितने ओनर पे सर गाड़ी है? दो सेकंड ओनर पे second. आप आपके नाम पे ये गाड़ी है? मेरे नाम पे 11 साल। ठीक है सर जी, आपके नाम पे 11 साल से आपके इस्तेमाल में है ये गाड़ी, ठीक है। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा जो आप इस्तेमाल में होता हो। 0333 2320 2320 575 575। क्या नाम है आपका सर? शेर नवाब भाई। कहाँ की लोकेशन है शेर नवाब भाई? बल्दिया टाउन की लोकेशन है, ठीक है जी। तो शेर नवाब के पास गाड़ी मौजूद होती है, गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, बाहर से गाड़ी शावर है लेकिन अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। इस गाड़ी का इंजन चेंज है लेकिन बुक पे आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। सादा शावर किया हुआ है, कलर वाला शावर नहीं, आधा गाड़ी शावर, ऊपर से छत वगैरह जेन्युइन इस गाड़ी का, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये एक ज़बरदस्त गाड़ी है, टोयोटा स्टारलेट, और मॉडल है 1978 का मॉडल है। फर्स्ट टाइम गाड़ी शावर हुई हुई है, सिर्फ जो है कलर फेड होने की वजह से, कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह इस गाड़ी का कोई नहीं हुआ, कोई मतलब लगी भी नहीं है, कहीं से पोटिन वगैरह कलर नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का शावर कह सकते हैं इस गाड़ी का। गाड़ी मशल से बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। बाकी टायर्स की बात करें तकरीबन कह सकते हैं 70% तक नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी हमें माशा से बिल्कुल साफ सुथरी हालत में देखने को मिल रही हैं। तो ग्रिल साइड भी आप लोग गाड़ी के साथ चेक कर लें। टोयोटा स्टारलेट और 78 का ये मॉडल है, बाहर से गाड़ी शावर है लेकिन अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल शेरार जैसा ही लुक दे रही है। बाकी फिर मैंने पिछली संडे में भी एक स्टारलेट कवर कर ली थी लेकिन उससे थोड़ा सा ये बड़ी गाड़ी मुझे लग रही है। ये देख सकते हैं आप लोग टोयोटा स्टारलेट, बैक साइड से भी लाइट्स वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन लाइट्स वगैरह जो होती हैं उसी तरह की लाइट्स इंस्टॉल है, अब पता नहीं ये जेन्युइन है या दोबारा इंस्टॉल करवाई हुई है। बाकी इंटीरियर मैं आप लोगों को इस गाड़ी का दिखाया था, इंटीरियर से माशाल्लाह से गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है गाड़ी की। आप लोगों के दरवाज़ों की सीलें वगैरह आप चेक कर सकते हैं, 78 का ये मॉडल है, उस हिसाब से अगर हम लोग गाड़ी को देखें तो गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में है। टैप वगैरह जो नॉर्मल टैप इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है, डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हैं, और इसकी सीट्स वगैरह भी बिल्कुल डैशबोर्ड से मिलते जुलते कॉम्बिनेशन में है टोयोटा स्टारलेट। बाकी बढ़ते हैं इंजनों की तरफ और देखते हैं इंजनों की क्या कंडीशन, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो भी आपको साथ शेयर कर देते हैं। इंजन अपना है सर इस गाड़ी का?
जी इसका इंजन भी अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनल इंटीरियर है इसका पूरा, सीटें इसकी फर्स्ट टाइम फटी है। अच्छा, ओरिजिनल 2K इंजन है इसका और साउंडलेस इंजन है। 2K मतलब कितने सीसी होता है ये गाड़ी? 2K 1000 सीसी होता है इसका। 1000 सीसी पहले, हाँ पहले टोयोटा जो है 2K 3K ये इस तरह करता था जी, नेमिंग कन्वेंशन को देख ले देख सकते हैं आप लोग, पट्टी में भी आप लोग 2K मिल रहा होगा, ये 1000 सीसी इंजन में होता है। 1978 का मॉडल है फर्स्ट वाला। ट्राई बैटरी वगैरह इंस्टॉल है और भाई डिमांड तो इसकी 425 कर रहे हैं। बाकी इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल प्राइस? कमी पेशी इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये मॉडल के हिसाब से जो गाड़ी है वो बहुत हाई कैलिबर की गाड़ी है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर एक तो होता है ना कि ओपन लेटर पे होता है और फर्स्ट ओनर नहीं होती है, जेन्युइनली बाय नेम फर्स्ट ओनर। अच्छा, आप नहीं समझे इंपोर्ट करवाई है? हमारी एक आंटी है उन्होंने करवाई थी, तो ये हमारे पास ही रही, आपके पास ही गाड़ी रही है। बाकी मॉडिफाई करते हैं, रियर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है। अच्छा, स्टीयरिंग घुमा के थोड़ी सी रेस देंगे ना गाड़ी पूरी घूम जाएगी, ये वो गाड़ी है। ठीक है, रेसिंग वगैरह के हिसाब से अगर बनाना चाहे तो मॉडिफाई करना चाहे तो ये मतलब ठीक है। CNG वगैरह भी लगा हुआ है इस गाड़ी में? CNG इसमें बिल्कुल लगा हुआ है, लास्ट ईयर हमने करवाया था। अच्छा, इसकी CNG डिसेबल है, पेट्रोल पे ही चल रही है। ठीक है, AC वगैरह भी है इसके अंदर? इसमें नहीं आता। अच्छा, ना ही लगवाया ना ही AC इसके अंदर आता है। ठीक है जी, तो इसके नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है? जेन्युइन है, टोयोटा की इंपोर्ट है गाड़ी। और CPLC वगैरह सब क्लियर, फर्स्ट ओनर शुरू से हमारे पास। ठीक है ठीक है, और इसके सस्पेंशन इंजन में कोई काम तो नहीं? इंजन में कोई काम नहीं, सस्पेंशन में कोई काम नहीं है, ओरिजिनल यामाहा के टायर लगे हुए। ठीक है जी, नंबर अपना शेयर कर दीजिए सर आप। 0333-3015-3031-731। क्या नाम आपका सर? जहीर नाम। जहीर, तो जहीर भाई के पास गाड़ी मौजूद है। जहीर भाई कहाँ की लोकेशन है? लोकेशन जो है स्कीम 33 की है। अच्छा, DHM में ऑफिस है। जी जी, ठीक है जी। तो जहीर भाई के पास गाड़ी 1978 का ये मॉडल है। गाड़ी बाहर से फर्स्ट टाइम शावर रुकी हुई है, बाकी अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। इंजन रूम इस गाड़ी का जेन्युइन मिलेगा, अपने इंजन में 2K का जो इंजन पहले टोयोटा का जिस तरह आता था। ठीक है जी, तो शावर भी बहुत पुराना मतलब किया हुआ है इसमें, 15-20 साल मतलब कह सकते हैं। इस तरह भी देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा गाड़ी शावर है, क्योंकि कलर वगैरह जहाँ जहाँ से आप लोगों को फेड नज़र आ रही थी, जेन्युइन वगैरह बैनमन जो हो जाता है इसी तरह के कलर में आ रही भी। ठीक है, तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में, बाकी जहीर भाई से आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सुजुकी वैगनर है 2000, ये 17 का मॉडल है। गाड़ी का सिर्फ एक पीस टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी आप लोग जेन्युइन मिलेगी। बम्पर जो है इसके शावर है, लेकिन ये बॉडी में इस्तेमाल शुमार नहीं होते। बाकी जो इसकी बॉडी वाइज की कंडीशन की बात करें 11 पीस की, तो सिर्फ इसका डिगी इसका जो है वो टचअप है। गाड़ी मशा अच्छी कंडीशन में, वैगनर की जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं। वैगनर अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ रही तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, एंड में आप लोग ओनर का नंबर डिटेल के साथ मिल जाएगा। तो टायर्स की तरफ नज़र लगा दें, पहले तकरीबन हमें कह सकते हैं 80% तक टायर्स गुड कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट स्टेपनी वाले टायर इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर। और लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी अच्छी हालत में मौजूद हैं, हल्की सी थोड़ा सी यहाँ से ग्रिल नज़र आ रही है, लेकिन इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रिल साइड की बात करें तो ग्रिल साइड भी हमें साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ये लाइट देख सकते हैं आप लोग, पैसेंजर साइड वाली ये हमें लाइट बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन मिल रही है। थोड़ा सा स्पेस का इशू है, तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से गाड़ी दिखा रहा हूँ। बाकी कोशिश करता हूँ कि आप लोग उसी तरह से गाड़ी विजिट कराऊँ, गाड़ी की जो एक्चुअल कंडीशन है वो आप लोग बताने की कोशिश करूँ। बाकी इसके बाद जो है ओनर के ऊपर डिपेंड करता है वो गाड़ी की कंडीशन हमें किस तरह बताते हैं। बाकी सील्स की बात करें तो सील हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। बाकी VXL में जो फ्रंट वाले डोर हैं वो आप लोगों को पावर मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग मिलेगी, मैनुअल ट्रांसमिशन में ब्रेकिंग। बैक वाले डोर जो होते हैं वो जो इसके होते हैं हैंडल वाले होते हैं। बाकी इंटीरियर से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही है। टेप जो कंपनी वाला टेप सिस्टम है वो इंस्टॉल है, और इंटीरियर से ओवरऑल गाड़ी माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में है। मैनुअल ट्रांसमिशन और 1000 cc इंजन में आती है भाई, ये मैं आप लोग बता दूँ। और बैक साइड की डिग्री साइड भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे की सीलें वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे कंडीशन में मौजूद हैं। और बैक साइड से आप लोग चेक कर सकते हैं डिग्री के तरफ जो व्हील वगैरह है, व्हील जेक पाना वगैरह वो सब रखा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। बाकी बैक साइड की लाइट्स हैं वो भी हमें साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। सुजुकी की वैगनर है, 2017 का मॉडल है, VXL। इसका स्टेयरिंग पावर होता है, इसके फ्रंट वाले डोर पावर होते हैं। VXR में और VXL में ये फ़र्क होता है। बाकी डोर्स वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद हैं। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम की कंडीशन देखते हैं, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या है गाड़ी की वो भी आप लोगों से शेयर कर देंगे।
तो 1000 cc इंजन में नॉन एक्सटेंडल गाड़ी है जी, बिल्कुल साफ़ सुथरी आप लोग को नज़र आ रही होगी कैमरे में भी। तो बैटरी जो है ड्राई इंस्टॉल है इसके अंदर, 1000 cc इंजन और बोनट की सीलें वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ हैं। तो बढ़ते हैं ओनर की तरफ, प्राइस पूछते हैं इसकी क्या है, कितने में गाड़ी फाइनल छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 18-20 2017 का मॉडल है, VXL। और कितने ओनर पे सर गाड़ी है? फर्स्ट ओनर पे, पेपर सब कंप्लीट है इसके, CPLC, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है इस गाड़ी की? ठीक है, कोई काम तो नहीं है सस्पेंशन इंजन वाइज, AC वगैरह वर्किंग में? कितना चली हुई सर गाड़ी है? 1,16,000 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली हुई है। ठीक है जी, तो इसमें कमी पेशी हो जाएगी प्राइस में या फाइनल है इस गाड़ी की प्राइस? थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, वो आपके इस्तेमाल में होता हो। 03-11-03-11-67-95-93-4। क्या नाम आपका सर? शर्जील। कहाँ की लोकेशन शर्जील भाई? लांडी कायदाबाद की लोकेशन है शर्जील भाई के पास। गाड़ी मौजूद होती है 2017 का मॉडल है, सुजुकी वैगनर VXL। पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो और बैक डोर के जो विंडो है इसके वो हैंडल वाले होते हैं। शुक्रिया। ठीक है शर्जील भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। सुजुकी एल्टो है ये और मॉडल 2011 का है, लेकिन एंड है 2012 का नंबर लगा हुआ इस गाड़ी में। गाड़ी की बाहर की कंडीशन में आप लोगों को बता दूं, बाहर की कंडीशन में सिर्फ आप लोगों को इस गाड़ी का बोनट टचअप मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को पूरी ओवरऑल गाड़ी ये जेन्युइन कंडीशन में देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी सुजुकी एल्टो 1000 cc इंजन में, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में जी। तो टायर्स की तरफ थोड़ा सा नज़र लगाते हैं, तकरीबन कह सकते हैं 80% टायर्स हमें गुड कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस गाड़ी की अलॉयरम लगे हुए हैं टायर, ये बाद में एंड में खोल लूँगा मैं इसका। ठीक है, लाइट्स की तरफ नज़र लगाते हैं जी, लाइट्स में बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ग्रिल साइड भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ है और नो डाउट अच्छी गाड़ी है। घर के इस्तेमाल के लिए अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग गाड़ी परचेस कर सकते हैं। बाकी प्राइस क्या है पूरी डिटेल ओनर के साथ मिलकर आप लोग सब भी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं आप लोगों जी यहाँ से देख सकते हैं आप लोग गाड़ी बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन कंडीशन में, कहीं से स्क्रेचेज नहीं है, रफ़ नहीं है, कहीं से जंग वगैरह नज़र नहीं आ रहा मुझे। और बैक साइड की लाइट्स की बात करें तो वो भी हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही हैं। 2011 का मॉडल है, 12 का नंबर लगा हुआ इस गाड़ी में। बैक साइड की लाइट्स भी हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मिल रही हैं, चारों टायर हमें सेम ही कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ा सा बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर की बात करें सबसे पहले हम थोड़ा सा डोर्स की सीलें वगैरह चेक कर लेते हैं। सीलें वगैरह बिल्कुल साफ़ हैं, जेन्युइन हालत में देखने को मिल रही हैं। बाकी इसकी जो बैक सीट्स है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, लेदर कवर वगैरह सीटों में इंस्टॉल है। तो बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, और बाहर से भी पूरी गाड़ी जेन्युइन मिलेगी, सिर्फ एक पीस टचअप है इसके अलावा, बाकी इंटीरियर तो इस गाड़ी का है ही पूरा जेन्युइन। बाकी थोड़ा सा इंजन रूम की तरफ, तो अस्सलाम वालेकुम जी, इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से 1000 cc इंजन में, ये आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं। और कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नज़र नहीं आ रही, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं जब आप लोग गाड़ी परचेस करने आए तो। बोनट की सीलें वगैरह भी साथ साथ देख लीजिए। अच्छा मॉडल कौन सा है सर? क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं सर? 840 की आपने फाइनल ये गाड़ी देनी है, इससे कम में नहीं देनी अपनी गाड़ी। ठीक है, सस्पेंशन इंजन वाइज? ठीक है, थ्रू आउट पेट्रोल पे, CNG वगैरह सीन तो नहीं है ना भाई? कितने ओनर पे सर गाड़ी है? फर्स्ट ओनर पे गाड़ी है। ठीक है जी, तो गाड़ी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में, एक पीस इस गाड़ी का टचअप है। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आप इस्तेमाल में होता हो। 03-03-03-23-99-14। क्या नाम आपके सर? मोहम्मद हमजा। ठीक है जी, लोकेशन कहाँ की बताई थी आपने? भादराबाद की लोकेशन। ठीक है, हमजा भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, भादराबाद की लोकेशन है। कीमत क्या है सर इस गाड़ी की? 840 में ये गाड़ी फाइनल 840 में देंगे, इससे गाड़ी ये कम नहीं देंगे। बाकी हमजा भाई के पास गाड़ी है मौजूद है, अच्छी गाड़ी है, घर के इस्तेमाल के लिए अच्छी गाड़ी, पहले भी फैमिली इस्तेमाल में गाड़ी रही है, कोई ब्रोकर वगैरह नहीं है। और गाड़ी का सिर्फ एक पीस टचअप है, 2011 का मॉडल है, 2012 का नंबर लगा हुआ है इस गाड़ी पर, वाइट कलर में सुजुकी एल्टो। शुक्रिया। चलें जी, एक और गाड़ी थी वो हमें कवर करने वाली, यूनाइटेड बावो। और आहिस्ता आहिस्ता में ये गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं मार्केट में भाई, पहले एक दुका गाड़ी नज़र आती थी, अब संडे बाज़ार में 3-4 गाड़ियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं हमें। गाड़ी की कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं जी, गाड़ी जो है बाहर से पूरी की पूरी जेन्युइन है, हल्के फुल्के जो है बम्पर इस गाड़ी के टचअप हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरफ से भी निशान था, उस तरफ से भी निशान था। बाकी इस गाड़ी का जो मॉडल है 2019 का है, एंड में 2020 का नंबर लगा हुआ इस गाड़ी में। सिल्वर कलर में गाड़ी मौजूद है, यूनाइटेड के जो अपने अलार्म लगे हैं वही लगे हुए हैं इस गाड़ी में। तकरीबन टायर्स की कंडीशन भी कह सकते हैं 70-80% गुड है। लाइट्स की कंडीशन की बात करें, लाइट्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है, साथ
और ये भी देख सकते हैं सिर्फ बोनट से जो बम्पर की जो साइड है वो हल्की फुल्की टच है, बाकी बॉडी वाइज आप लोग पूरी की पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन कंडीशन में देखने को मिलेगी। सिल्वर कलर में गाड़ी मौजूद है, यूनाइटेड ब्रावो 2019 का ये मॉडल है, 20 का नंबर लगा हुआ है। भाई यूनाइटेड ब्रावो के जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई ये मैं ऐड कर रहा हूँ। प्रिंस पर्ल की भी एक रिक्वेस्ट आई थी तो कोशिश करूँगा प्रिंस पर्ल अगर मुझे मिल जाती है गाड़ी तो फिर मैं ऐड कर दूँगा, नो डाउट। माशाल्लाह से गाड़ी बिल्कुल आउट क्लास कंडीशन में मौजूद है, टायर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, चारों टायर आप लोगों को सेम कंडीशन में मिलेंगे, बैक साइड की लाइट्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की। यूनाइटेड ब्रावो 2019-2020 का नंबर लगा हुआ। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर से गाड़ी कुछ इस तरह से है जी। पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, स्टेयरिंग भी इसका पावर आता है ना, ठीक है जी। पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है और 1000 सीसी में सर ये गाड़ी 796 मतलब 800 सीसी कह सकते हैं, 800 सीसी का इंजन इस गाड़ी के अंदर होता है भाई, और अच्छी गाड़ी है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो भी अच्छी होती है। बाकी ओनर से कुछ और डिटेल भी ले लेंगे, बाकी थोड़ा सा इंजन रूम इस गाड़ी का चेक कर लें। रूम खुला हुआ है सर, रूम खुला हुआ है, तो अस्सलाम वालेकुम जी। रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से है, 800 सीसी का इंजन इसमें कह सकते हैं यार। बाकी गाड़ी मशीन से अच्छी कंडीशन में है, इंजन रूम इस गाड़ी का पूरा जेन्युइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। टिकली साइड भी आप लोग चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल गाड़ी नज़र नहीं आ रही मुझे साहब, अब मुझे नज़र नहीं आ रही, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं लेते वक्त। बाकी बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं गाड़ी की प्राइस क्या है, कितने में गाड़ी फाइनल छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड कर सर इस गाड़ी की? सर 11 लाख रुपये कर रहे हैं। 11 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं? 11 लाख, 11 लाख पूरे 11 लाख ही डिमांड कर रहे हैं ना, ठीक है। इसमें कुछ गुंजाइश होगी या फाइनल प्राइस आपकी ये? फाइनल 10.5 है। 10.5 में आपने फाइनल, 50,000 की मतलब कि इसमें गुंजाइश होगी, ठीक है। CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है? नंबर प्लेट आ गई है जेन्युइन इस गाड़ी की? जेन्युइन लगी हुई है 2020 जहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। बाकी इसका इंजन सस्पेंशन वगैरह ओके गाड़ी है, एसी वगैरह ऑन है, टील है। क्या एवरेज देती है पर लीटर के हिसाब से गाड़ी? ये 15-16 का एवरेज, 15-16 का देती है, 800 सीसी है, ठीक। कितना चली हुई सर गाड़ी? ये 49,000 चली हुई, 49,000 किलोमीटर गाड़ी है, ओरिजिनल जेन्युइन चली हुई है। बाकी इसमें जो एंड्रॉयड इसमें पैनल जो अपना कंपनी का इंस्टॉल आता है, ठीक है जी, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा आपके इस्तेमाल में होता हो, 0316-2010-10-2444। क्या नाम है आपका सर? जैन नाम है। जैन भाई कहाँ की लोकेशन है? ये शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर, ठीक है। शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर की लोकेशन है, जैन भाई के पास ये गाड़ी मौजूद होती है। गाड़ी मशीन से अच्छी कंडीशन में, 2019-2020 का नंबर लगा हुआ इस गाड़ी में। गाड़ी कह सकते हैं कि टोटल जेन्युइन है, सिर्फ बम्पर में हल्का फुल्का टचअप है, लेकिन बम्पर बॉडी में शुमार नहीं होते। शुक्रिया, ठीक है जैन भाई, अगर आपके पास कॉल आए तो अपने। अस्सलाम वालेकुम, एक ये है फा कंपनी की गाड़ी है भाई, और सुजुकी एवरी आती है जैसे आयरूफ आती है और हाईजेट आती है, उसी तरह की ये फा कंपनी की गाड़ी है, 19 का मॉडल है। गाड़ी मशीन से बिल्कुल साफ सुथरी, टोटल गाड़ी जेन्युइन है, सिर्फ एक फाइंडर जो है पैसेंजर साइड का वो टचअप, इसके अलावा पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। गनमेटल टेल कलर में गाड़ी है ये, अगर आप लोग गाड़ी परचेस करनी है तो ओनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। तो जितने भी लोग फा कंपनी की गाड़ी या कोई ऐसी चाइना कंपनी की गाड़ी जो रिक्वेस्ट कर रहे थे या शानी ऐसी गाड़ियाँ ऐड करें थोड़ा यूनिक टाइप की हों, तो ये गाड़ी है भाई, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ी कम नज़र आती हैं ये गाड़ियाँ मार्केट में। बाकी टायर्स की बात करें तो तकरीबन कह सकते हैं क्या 80% तक फ्रंट बैक वाले टायर, चारों टायर आप लोगों को गुड कंडीशन में देखने को मिलेंगे। बाकी बॉडी वाइज आप लोग कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा, कहीं से स्क्रेचेस नहीं है, जंग नहीं है। बाकी लाइट्स वगैरह भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हैं, टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं मिलेंगी। बाकी ये वाली लाइट है थोड़ा बहुत बफ वगैरह होगी बस, ठीक है। बाकी ये वाला सिर्फ ये फाइंडर है, ये टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी आपको जेन्युइन मिलेगी, ठीक है। वो पूरी डिटेल आप मुझे दे दीजिएगा एंड में, ठीक है सर। और गाड़ी मशीन से अच्छी कंडीशन में, अगर आप लोग गाड़ी परचेस करनी है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस गाड़ी की। और बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से, FAW XPV के नाम से इसका जो ये है, ड्यूल एसी सिस्टम भी है। बाकी अंदर चेक कर लेते हैं ड्यूल एसी सिस्टम है या कि नहीं है, बाकी लिखा हुआ तो है ड्यूल एसी सिस्टम। बाकी डोर भी इसका स्मूथली खुल रहा है, ठीक है जी। तो सीट्स वगैरह जो है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में। अंदर का इंटीरियर पूरा का पूरा आप लोग गाड़ी का जेन्युइन मिलेगा। ड्यूल एसी सिस्टम है, आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्रंट में भी एसी है, बैक में भी एसी है। बाकी एसी वर्किंग में है नहीं है, फिर ये जो ऑन लेते हैं तो माशाल्लाह से गाड़ी की जो इंटीरियर कंडीशन है आउट क्लास है। पावर विंडो है और स्टेयरिंग मेरे ख्याल में इसका पावर ही होगा, फिर उनके साथ मिलकर ये भी पूछ लेते हैं
स्टेयरिंग इस गाड़ी का पावर है कि नहीं है, तो नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से इंटीरियर से बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर, कौन सा मॉडल है सर? ये 19 मॉडल है। अच्छा जी, इसकी डिमांड की है फाइनल देने 12.5 में। 12.5 में आपने? 12 में देंगे, 12.5 रखे हमने। अच्छा, फाइनल 12 में देनी है। अच्छा, रहते हम लोग ये सिटी स्टेशन जन प्रेस नहीं है जी, यहाँ पे हमारा घर है। ठीक है, अच्छा पेपर सब कंप्लीट है इस गाड़ी के? सेकंड आपके नाम पे वो है पे या वो ओपन लेटर पे? ओपन लेटर पे चला रहे हैं। ठीक है, कितना चली हुई सर गाड़ी ये? 60,000 किलोमीटर जेनुइन चली हुई है। 60,000 है, 1000 सीसी इंजन है इसका। ठीक है, टायर चारों दिखा दिए मैंने, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी, इसमें टायर वगैरह इसके 80% टायर भी गुड हैं। और 10 इसमें 1000 सीसी इंजन होता है, एवरेज क्या देता है पर लीटर के हिसाब से? ये 16 किलोमीटर देती है गाड़ी, हमारे साउथ क्लास कंडीशन में है। ठीक है, ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0300 3352853। क्या नाम आपके सर? ये नाम है, लिखना ये ओम प्रकाश। गाड़ी मौजूद होती है, भाई का नंबर जो है मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में, एक बार फिर से मैं आप लोगों को इंटीरियर इस गाड़ी का चेक करा देता हूँ। और 1000 सीसी इंजन में होती है भाई। एक ये बटन गिर गया है, ये बस पूरी पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो है, हर चीज, हर चीज। ठीक है, ड्यूल एसी सिस्टम है, एसी भी वर्किंग में इसमें, और माशाल्लाह से गाड़ी माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में। अस्सलाम वालेकुम जी, निसान क्लीपर है, 2013-2018 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है गाड़ी। टोटल की टोटल आप लोगों को गाड़ी जेन्युइन मिलेगी। जितने लोग निसान क्लीपर हाईजेट की रिक्वेस्ट करते हैं, निसान क्लीपर में ऐड कराऊंगा, आप लोग गाड़ी समझ में आ रही तो आप लोग गाड़ी परचेस कर सकते हैं। ओनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को एंड में मिल जाएगा। गाड़ी की कंडीशन मैं हम लोग बता दी कि बाहर से गाड़ी पूरी जेन्युइन मिलेगी। टायर्स की बात करें, नॉर्मल स्टेपनी वाला टायर इंस्टॉल है, तकरीबन कह सकते हैं 70-80% टायरों की कंडीशन गुड है। बाकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी सही हैं, ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। ग्रीन साइड भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं। सर्विस करवा के ये गाड़ी नहीं लेके आए, लेकिन सर्विस करवा के आते तो गाड़ी थोड़ा सा चमचमाती हुई कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिल सकती थी। तो गाड़ी माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में, बॉडी वाइज आप लोग कोई भी काम नहीं करवाना पड़ेगा, सिर्फ सर्विस की नीड है इस गाड़ी को। मैं आप लोग बता दूं, सर्विस अभी तक की गाड़ी ये नहीं करी हुई। तो बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से, बैक साइड की जो इंडिकेटर साइड होती है वो भी आप लोग गाड़ी की साइड चेक कर सकते हैं। बैक साइड की लाइट्स वगैरह होती हैं, बाकी इसमें जो बैक कैमरा भी इंस्टॉल है। बाकी देख लेते हैं इसके अंदर जो है LCD वगैरह इंस्टॉल है कि नहीं है। निसान क्लीपर है, 2013-2018 की रजिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में है। तो पढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। थोड़ा सा इंटीरियर की बात करें तो जेन्युइन हालत में हमें देखने को मिल रही है। सीट्स वगैरह पे जो हैं अभी तक पेपर वगैरह इंस्टॉल हैं, अभी क्यों इंस्टॉल हैं, क्यों नहीं उतारे अभी ये पता नहीं है, ओनर को पता होगा बेहतर। बाकी इंटीरियर से पूरी की पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, निसान क्लीपर 2013-2018। अच्छा ये तो बढ़ते हैं फ्रंट डोर की तरफ। डोर्स की बात करें तो सीलें वगैरह हमें बिल्कुल साफ सुथरी हालत में देखने को मिल रही है, कोई गली भी नहीं है। ऑटो ट्रांसमिशन में 660 सीसी इंजन में, बाकी LCD भी लगी हुई है, बैक कैमरा भी लगा हुआ है इस गाड़ी में। तो मीटर साइड भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसमिशन में गियर सिस्टम, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा मैं फ्रंट से विजिट करा देता हूँ आप लोग गाड़ी, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर तो प्राइस वगैरह क्या गाड़ी की वो भी आप लोग शेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर? शायन भाई, कहाँ क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की आप? 13 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। मॉडल 2013 का मॉडल है, 2018 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। गाड़ी पूरी जेन्युइन है आपकी? स्मार्ट कार्ड अभी बनवाया आपने? ठीक है सर, कितने ओनर पे सर? फोर्थ ओनर पे। पेपर सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं इसके, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपके इस्तेमाल में हो तो 0333-2355-9174। शायन भाई लोकेशन का? मलिर की लोकेशन है। ठीक है, डिमांड क्या कर रहे थे आप? अच्छा, तो फिर उसे 20,000 डिस्काउंट हो जाएगा, 1280 हो जाएंगे, मतलब कि इसके शोरूम में 1255 लग चुके हैं। ठीक है जी, तो 1255 की जो है शोरूम ऑफर आ चुकी है, 1280 में ये गाड़ी फाइनल देंगे अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई कॉल करेगा तो। ठीक है, शायन भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है। मलिर की लोकेशन बता रहे थे? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।
ओके तो आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा पसंद हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, 72% लोग ऐसे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहते हैं भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। तो अगर आप लोग किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट्स में उस गाड़ी का नाम लिखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग वो गाड़ी ऐड कर देंगे अपने चैनल पर। तो अभी चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।